अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स के साथ डॉक्टर हसन बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम कुछ जिक्र करेंगे अग्निपथ का। अग्निपथ का लफ्जी तर्जुमा अग्नि आग को कहते हैं और पथ रास्ते को, पाथ्स ऑफ फायर। बेसिकली अग्निपथ एक स्कीम है जो कि भारतीय गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की रिक्रूटमेंट के लिए। इसके ज़रिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेज में नौजवानों को रिक्रूट किया जाएगा। अभी की सिचुएशन हम देखें तो अभी इंडिया की आर्म फोर्सेस में सारे जितने भी सिपाही रिक्रूट होते हैं वो 17 साल उनकी मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस होती है और उन सब को फुल मिलिट्री पेंशंस और बेनिफिट मिलते हैं। तो इससे दो असरात हुए हैं। एक तो इंडियन आर्म फोर्सेस की एवरेज एज काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि जो सिपाही भर्ती होता है ऊपर 17 साल कम अज़ कम लगा के जाता है, बल्कि अक्सर तो ज़्यादा ही लगा के जाते हैं। तो उसमें जो इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्म फोर्सेस की जो एवरेज एज है वो 37 ईयर्स हो गई है, जबकि अगर कंपेयर करें तो चाइना और नेटो की जो एवरेज एज है वो 24-25 ईयर्स है। इसके अलावा जो उनका पेंशंस और तनख्वाहों का बजट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इन मसाइल को काउंटर करने के लिए उन्होंने अग्निपथ स्कीम का इजरा किया। इसके अलावा उनके कुछ और भी मकासद हैं अग्निपथ से रिलेटेड, लेकिन उसका जिक्र हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। इस एपिसोड में हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे कि अग्निपथ असल में है क्या। बेसिकली 17 साल की मिनिमम एज है और 21 साल की मैक्सिमम एज है। अभी उन्होंने रिलैक्सेशन दिया 23 तक, लेकिन आगे वो फिर 21 तक हो जाएगी मैक्सिमम एज जिसमें एनरोल हो सकता है। और 4 साल का टेन्योर होगा जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग करवाई जाएगी और 4 साल के बाद वो बंदा, और अग्निपथ के तहत जो लड़के सेलेक्ट होंगे या लड़कियाँ सेलेक्ट होंगी उनको अग्निवीर कहा जाएगा। वीर मतलब हीरो, हीरोज ऑफ फायर। तो ये जो अग्निवीर हैं ये 4 साल फौज में सर्व करेंगे और उसके बाद इनमें से टोटल 1/4 यानी 25% जो है वो फौज में परमानेंट जॉब उनको मिलेगी और उनको 15 साल मजीद सर्विस करना होगी और उनको फुल पेज और पेंशंस भी मिलेंगी, जबकि बाकी रिटायर हो जाएंगे। जो अग्निवीर रिटायर होगा उसको कोई मेडिकल बेनिफिट्स, कोई फौजी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ना ही कोई पेंशन मिलेगी, लेकिन उसे रिटायर होते वक्त 12 लाख रुपये की एक रकम मिलेगी। इसके अलावा उनका एक 10% कोटा मुकर्रर कर दिया गया CAPF में, इंडियन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, जो कि इंडिया की मेन पैरामिलिट्रीज हैं और उनमें 20 लाख से ऊपर अफराद भी सर्व कर रहे हैं। पहले साल टोटल 46,000 की एनरोलमेंट होगी अग्निपथ प्रोग्राम के तहत, जो कि इस साल जारी है। और इंटरेस्टिंगली अभी अगर हम देखें तो इंडियन आर्मी से हर साल 60,000 नॉन कमीशन लोग रिटायर हो रहे हैं। और ये बात याद रहे कि अग्निपथ अभी सिर्फ नॉन कमीशन के लिए, ऑफिसर्स के लिए नहीं है। तो भर्ती सिर्फ 46,000 कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि ये स्कीम अभी प्रॉपरली टेस्ट फेज से निकली नहीं है। पहले साल तो वो 46,000 भर्ती कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका एम है वो ये है कि स्कीम के 10वें और 11वें साल तक 150,000 प्लस यानी 1.5 लाख से ऊपर बंदे हर साल भर्ती होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू जो कि इंडियन आर्मी के वाइस चीफ हैं, तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जो है वो हम 50-50 से भी ऊपर रेशो लेकर जाएंगे, मतलब आधे से ज़्यादा इंडियन नॉन कमीशन रैंक्स अग्निवीर होंगे। अगर हम प्रोजेक्शन पर जाएँ जो कैलकुलेट की गई है उसके मुताबिक 2044 तक इंडियन आर्म फोर्सेस में 66% अग्निवीर होंगे और 34% परमानेंट जॉब वाले होंगे। और ये जो रेशो है ये इक्वलाइज हो जाएगी 2044 में, कि अभी तो इंडियन आर्मी में अग्निवीर सिर्फ आना स्टार्ट हुए हैं, फिर हर साल उनका नंबर बढ़ता जाएगा और हर साल वो ज़्यादा तादाद में भर्ती होंगे ताकि रिप्लेसमेंट चलती रहे जो कि रिटायर हो रहे हैं परमानेंट जॉब वाले। लेकिन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा 2044 तक और उस वक्त ये होगा कि 34% परमानेंट रहेंगे एक वक्त में और 66% अग्निवीर होंगे जो कि 4 साल की सर्विस पूरी करके उसके बाद सिविल सोसाइटी में वापस चले जाएंगे। इंटरेस्टिंगली जब अग्निपथ की स्कीम मुतारफ़ कराई गई इस साल जून में, तो बहुत ज़्यादा स्कीम के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी हुए, ख़ास तौर पे बिहार जैसी कुछ स्टेट्स में जिधर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और जिधर से फौज को काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट मिलती है। लेकिन प्रोटेस्ट तो अब ख़त्म हो गए हैं, रिक्रूटमेंट धड़ाधड़ जारी है और अग्निपथ स्कीम के पीछे गवर्नमेंट ने अपना पूरा वेट डाला हुआ है कि स्कीम को कामयाब कराना ही कराना है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं अग्निपथ के उन बेनिफिट्स का जो कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि इस वजह से हम अग्निपथ को लाना चाहते हैं, और इसके अलावा जो टेंजेबल बेनिफिट्स हैं सबके सामने हैं, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं। एक बात तो वो एवरेज एज वाली है
कि बेसिक लॉजिक ये दी गई है कि यंग सिपाही बेहतर ज़्यादा कॉम्बैट रेडी होता है, ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव होता है, वो बॉर्डर्स की राखी ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है बनिस्बत उस उम्र रसीदा 35-40 साल के उधेड़ उम्र सिपाही के जो कि फ़ौज में 15-20 साल से सर्व कर रहा है। उसने सिर्फ अपनी तनख्वाह लेनी है, फिज़िकली भी उसके कवाम मुजमहल हो चुके हैं, ना उसके सामने कोई प्रमोशन है, ना कुछ, उसका एक स्टेबल इन्वायरमेंट है, वो कभी भी रिस्क नहीं करेगा। जबकि एक यंग लड़का थ्रिल सीकिंग में या उस पर जोशो जज्बा भी ज़्यादा, उसको ज़्यादा मोटिवेट करना भी आसान है, उसको जोशो जज्बा दिलाना भी आसान है, उसकी ब्रेन वॉशिंग करना भी आसान है। वो एक फिज़िकली एक्टिव अग्निवीर जो है, जो कि कॉस्ट भी कम करेगा इंडियन ख़जाने को, वो बेहतर समझा जाएगा। और इंडियन आर्मी की एक जो एवरेज एज 37 तक पहुँची हुई है, उसको एटलीस्ट इंटरनेशनल नॉर्म्स तक लाया जाए। अल्टीमेटली जो उनका एम है वो ये है कि कुछ सालों बाद अग्निपथ स्कीम की वजह से इंडियन आर्मी की जो एवरेज एज है वो 26 साल तक हो जाएगी। जो दूसरी रीज़न है, जो शायद ज़्यादा बड़ी रीज़न है, वो तो क्लियरली फाइनेंशियल है। इंडिया इस वक्त सिर्फ पेंशन्स में 2022-23 में इंडिया ने $15 बिलियन का बजट लगाया। $15 बिलियन ये पाकिस्तान के टोटल डिफेंस बजट से ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान का टोटल डिफेंस बजट जितना है उससे ज़्यादा तो इंडिया सिर्फ डिफेंस पेंशन्स देता है। 23% इंडियन डिफेंस बजट पेंशन्स में जाता है। और अगर आप पेज और अलाउंसेस को मिलाएं तो इंडियन डिफेंस बजट का पेज, अलाउंसेस और पेंशन्स का मिला के 60% हो जाता है। ये बात यहाँ पर याद रहे कि अग्निपथ के तहत जो अग्निवीर भर्ती होंगे उनकी तनख्वाहों का लेवल भी कुछ कम रखा गया है नॉर्मल परमानेंट सिपाहियों से। अब इस 60% डिफेंस बजट को आप सामने रखें कि जो इंडियन आर्मी का एक मॉडर्नाइजेशन बजट है जिसके ज़रिए प्रोक्योरमेंट होती है, जदीद असला ख़रीदा जाता है, जैसे रफाल तैयारे वगैरह ख़रीदे हैं, या जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कि जिसके ज़रिए नए वेपन बनाए जाते हैं, जैसे उन्होंने वो अपना समोसा एयरक्राफ्ट हाल तेजस बनाने की कोशिश किया, या वो एक अर्जुन टैंक है जो कि कभी सर्विस में नहीं आता लेकिन R&D का पैसा बहुत खा चुका है। तो टोटल R&D और प्रोक्योरमेंट बजट जो है वो उनका 28% है, 60% ऑन पेज पेंशन एंड अलाउंसेस और 28% ऑन प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड R&D। तो जो चाह रहे हैं अग्निपथ के ज़रिए वो ये है कि अभी तो 100% नॉन कमीशन रैंक्स फुल पेंशंस ले रहे हैं, लेकिन जब अग्निपथ अपना एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगी कुछ सालों में तो सिर्फ 34% नॉन कमीशन रैंक्स जो हैं वो पेंशंस लेंगे, बाकियों की तो पेंशन देनी नहीं पड़ेगी। और इन सेविंग्स के ज़रिए इंडियन डिफेंस बजट में एक एम्पल स्पेस क्रिएट होगी जिसके ज़रिए ये सारी जो रकम है ये डाइवर्ट की जा सकेगी रिसर्च एंड डिवेलपमेंट पर और इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट पर। और इसके ज़रिए इंडियन आर्मी को एक मॉडर्न और यंग फोर्स बनाने का एम है अग्निपथ के ज़रिए। अग्निपथ के कुछ और भी मकासद हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक मोदी जी की पॉलिटिक्स और हिंदुत्व से है। इसके अलावा कुछ इंडियन इकॉनमी और सोसाइटी पर भी इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि ये तो अभी प्लान है, क्या कामयाब होता है या नहीं, और अगर ये नाकाम होता है तो फिर उसके क्या असरात होंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को हम स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स की अगले एपिसोड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी के लिए डॉक्टर अहसान बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।